आगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ मालवीय एकेडमी। और आप सब ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट पेपर वन, जो कि CUET एग्रीकल्चर के लिए आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था, तो हम लोग उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व क्या करना है, ऑलरेडी आप लोगों को तो सोल्यूशन मिल ही गया था मेरे बच्चे, तो आप लोगों के पास सोल्यूशन था ही। जो भी गलतियाँ हुई थी आप लोगों को पता ही चल चुकी होंगी, कुछ करेक्शन उसमें हुए थे वो भी आपको पता चल चुके होंगे। पेपर में कोई भी आंसर किसी भी प्रकार से गलत नहीं था, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं था, ये सब कुछ बहुत ही बारीकी से जांच करने के बाद ही आपको दिया गया था। कुछ लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां रहती हैं कि ये नहीं, ये होना चाहिए था, तो उस पर आप लोग मत जाइएगा। तो आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं टेस्ट में, मैंने देखा मैक्सिमम जो स्कोर गया है, अभी मैं अनाउंस नहीं करूँगा, आप लोग खुद अपना स्कोर जानते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्कोर में लास्ट में जाते जाते ज़रूर बताऊंगा कि हाईएस्ट स्कोर किसका गया है और कितना गया है, और कितने बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये राज की बात है, बताने से मना किया गया, लेकिन आप लोगों को आपकी क्षमताएं पता होनी चाहिए कि आपने कितना किया था और कितने बच्चों के बीच में आप बैठे थे, कितने बच्चों ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों से टेस्ट का मैं रिव्यू पूछूंगा, कैसा लगा आप लोगों को टेस्ट देने के बाद। मैंने बहुत मिनिमल लेवल से लेकर के और जितने टफ क्वेश्चन बन सकते हैं एक आप लोगों के लेवल पर, उतने अच्छे क्वेश्चन मैंने बना करके उसमें रखे थे। कुछ नए थे, कुछ जो है मॉडल पेपर से मैंने ले करके रखे थे, काफ़ी प्रयास किया था कि उसमें गलती ना रहे, एररलेस एकदम पेपर था वो। कैसा लगा आप लोगों को दे करके टेस्ट पहले ये बताइए, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन पे आएंगे। तो सोल्यूशन ऑलरेडी आपको पता है, बस मुझे डिस्कस करना है कि पेपर सॉल्व कैसे करते हैं, किस क्वेश्चन को किस नज़रिए से आपको देखना है, ताकि आप एग्ज़ाम में वो गलती ना करें जो यहाँ आप करते हैं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तेरा रंग हो गया है, कुछ लोगों का कम गया है, कुछ लोगों का अच्छा गया है। नहीं बेटा, कल आप वैभव सर की केमिस्ट्री की क्लास लाइव कर रहे थे, इस वजह से मेरी क्लास लाइव नहीं चली थी ऐप पर, वो मैंने रिकॉर्डिंग करके आज मॉर्निंग में डलवाया था। ठीक है, और आज एक लेक्चर और आप लोगों के लिए जाएगा ऐप पर जेनेटिक्स का, तो वो भी आज आपका सिलेबस जो है द एंड होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई थी, आज मैं सब कुछ उसमें कंप्लीट करूंगा, तो आप आज रात तक आप लोगों को वो भी मिल जाएगा। फोर्थ रैंक आया, अच्छा रैंक भी आपको पता चल गया। फोर्थ रैंक आया तो मतलब आपका 185 प्लस होगा। ठीक है, 180 के ऊपर होगा आपका 200 में से। चलिए बढ़िया गया, इतना काफ़ी है यार। अगर आप 200 में 180 प्लस आ रहे हैं, ठीक ठाक है परफॉर्मेंस, कोई गड़बड़ नहीं है। वो भी तब जब आप लोगों को नागेंद्र सर का क्वेश्चन का पैटर्न पता हो कि ऐसे सर पूछते हैं। ठीक है, पैसेज मैंने बहुत ज़बरदस्त बनाए थे, उसमें पैसेज आप लोग देखे होंगे ना, तो अपने आप चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हाँ, थोड़ा सा माथा कुछ लोगों का सिकुड़ जाता है देख करके कि यार इतना बड़ा पैसेज कौन पढ़े, फिर एक सवाल को देना है आप लोगों को, इसलिए पैसेज पे फोकस कम करके पहले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, जब ना समझ में आए तब पैसेज पे जा करके आप लोग टाइम अपना दीजिए। कितने बच्चे ऐसे थे जिनका समय कम पड़ गया, कोई ऐसा था जिसका पहले से ही सबमिट हो गया, उसको पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाया था क्वेश्चन, और अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जो 25 से 30 मिनट के अंदर ही पेपर अपना सबमिट कर चुके होंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ बच्चे रह जाते हैं जो उनको समय का पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो बढ़िया से पढ़ने में लग जाते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, उतना मन लगा के वो नोट्स नहीं पढ़ते घर पे जितना मन लगा के पेपर पढ़ते हैं। तो वो बेटा पेपर पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, पेपर दिया गया कि आप फटाक से आंसर रिप्लाई करिए और आगे बढ़िए, ताकि विद इन टाइम आप अपने आप को जो है वहाँ पर सही साबित करके और आगे निकलिए। ठीक है, पता चलता है कुछ लोग उसको खूब मन लगा के पढ़ते हैं, कहते हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए है, ये है वो है, उतना मन लगा के नोट्स नहीं पढ़ते हैं। नोट्स पढ़ लेंगे तो इधर मन उतना नहीं लगाना है आपको। ठीक है, हाँ अधिकतर वही कह रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का पहले ही कंप्लीट हो गया हो, कुछ लोग ऐसे होंगे एक आध दो लोग जिनका जाता है, वो सोचते हैं कि अभी और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ने के चक्कर में समय उनका व्यतीत हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं, 20 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम आप लोगों का गया होगा। चलिए शुरू करते हैं, जितने लोगों ने टेस्ट पेपर दिया, सबसे पहले तो उनको बधाई मेरी तरफ से कि आप लोग
एक ऐसा स्टेप फॉलो कर चुके हैं, एक ऐसा स्टेप आपने आगे बढ़ा लिया सीयूईटी की ओर कि आपको एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट के ज़रिए आपको एक प्रैक्टिस करा दी गई, ठीक है, कि ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छी तैयारी थी हम लोगों की पेपर कराने की और टाइम पे आपका पेपर कंप्लीट भी हुआ है। चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ नई बातें भी मैं इसमें जोड़ूंगा। अच्छा, मैं सोच के आया था कि मैं भी आपको 40 मिनट के 45 मिनट के अंदर ही सॉल्यूशन करा दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इस पेपर में मुझे आपको और भी कुछ चीज़ें सिखानी भी हैं, अलग अलग ऑप्शंस में क्या क्या हो सकता है वो भी मुझे बताना, ताकि आज आप यहाँ से 50 क्वेश्चन के बदले 200 क्वेश्चन सीख करके जाएं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग ट्राई करते हैं, स्टार्ट किया जाए। इस बार कभी नया पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज हुई हैं, ठीक है। हाँ, आज मॉडल पेपर 2 आपको पहुंचा होगा, दूसरा वाला अटेम्प्ट करिए, कल मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो भी चीज़ें हैं, क्या क्या सवाल आए थे, कितने सवाल थे, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला जो सवाल आप लोगों को दिया गया था, वो पहला सेक्शन जो गया था वो यूनिट 1 से गया था, जहाँ पे आपके इस यूनिट में एग्रोमेट्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और उसके साथ बायोकेमिस्ट्री, ये चार यूनिट मिल करके यूनिट 1 बनाती हैं, ठीक है। उसमें से पहला ये सवाल था आपके सेल बायोलॉजी से, पहला सवाल था स्टेटमेंट वाला, पूछा गया था इन प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज सर्कुलर एंड नॉन हिस्टोन टाइप, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था और स्टेटमेंट जो था ओनली 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। आपके एग्जाम का जो सवाल है ये बहुत कठिनाई वाला सवाल नहीं है, अगर किसी बच्चे ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ लिया है उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी डीएनए में जो है हिस्टोन प्रोटीन मिलती ही नहीं है, और उनमें सर्कुलर शेप में जो होते हैं डीएनए वो पूरे उसमें बिखरे होते हैं, स्पाइरली बिखरे होते हैं, सर्कुलर वहाँ पे नहीं मिलते हैं, सेंट्रिक नहीं मिलते हैं कि वो सेल के अंदर में मिलते हों, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो कह रहा है वो भी बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जितनी भी सेल्स होती हैं उसमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलते हैं। चलिए, कौन बताएगा कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम की सब यूनिट क्या है, कौन दो सब यूनिट से वो मिल करके बना होता है, क्या वो 60+40 से बना होता है, क्या वो 50S+30S से बना होता है, क्या वो 40S+70S से बना होता है, इनमें से किस ऑप्शन से आप चूज करेंगे कि 70S किन किन दो सब यूनिट से मिल करके बनता है, बताएं, देखते हैं। 50 और 30 से, चलिए बहुत बढ़िया, 50 और 30 सब यूनिट से मिल करके ये बनता है, ठीक है। तो आपका पहला वाला जो आंसर था वो स्टेटमेंट दोनों सही था। अगले, अगर इसी में और डिफरेंस हम लोग देखें तो डीएनए और आरएनए इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में तो कई सारे डिफरेंस मिलते हैं बेटा, ठीक है ना। किसी का जो है उसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, किसी में प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेसिस की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट ही होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, तो वो जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का उसको आपको भी एक बार पढ़ना है फिर से जाकर के, अगर किसी का गलत हुआ हो तो उसको रिवाइज कर लेना। अगला जो सवाल था बेटा वो था गॉल्जी बॉडीज, अच्छा ये 3 स्टेटमेंट्स वाला था और इनमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना था, ठीक है, सही विकल्पों को ही चूज करना है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स आर द साइट ऑफ लाइटिक एंजाइम साइंथेसिस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन, अगर बेटा सेल में गॉल्जी बॉडीज ना मिले ना तो सेल ही नहीं बनेगी, सेल का वाल नहीं बनेगा, सॉरी वाल नहीं बनेगा, प्रोटीन साइंथेसिस भी थोड़ा बहुत उसमें अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। गॉल्जी बॉडीज भी थोड़ा सा लिपोप्रोटीन से जुड़े होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन साइंथेसिस, ये भी बात सही है, राइबोसोम ही हैं जो कि प्रोटीन साइंथेसिस करने के लिए जो है साइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। राइबोसोमल आरएनए होते हैं कुछ, ठीक है, तो आरआरएनए जो होते हैं वही जो है प्रोटीन साइंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ जीन, जीन बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हेरिडिटी की, जितनी भी जेनेटिक्स में सबसे स्मॉलेस्ट अगर यूनिट बोली जाए कि भैया कौन सी है जो कि जेनेटिक मटेरियल, सॉरी जेनेटिक कोड या जेनेटिक कैरेक्टर्स को लेकर के कैरी करती है, तो वो है जीन। जीन सबसे छोटी यूनिट होती है, इसी को मेंडल साहब ने फैक्टर के नाम से संबोधित किया था, बाद में जॉनसन साहब आए उन्होंने इसका टर्म रख दिया जीन, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही, तीनों के तीनों सही थे, इसलिए ए बी और सी, ठीक है, इसमें से कोई भी आंसर गलत नहीं था।
चलिए कौन बताएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, किसने दिया था? जीन्स का आधुनिक संकल्पना किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष में दी थी? जीन की आधुनिक संकल्पना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, किसके द्वारा दिया गया था? मॉर्गन गलत है, बेटसन भी गलत है, मुर्गा लिख रहा है, मुर्गा भी नहीं थे बेटा, अभी तक ये साइंटिस्ट आए ही नहीं, मुर्गा, मॉर्गन गलत है। किसी को याद आ रहा है? सी बेंजर, बेंजर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1935 में सिस्ट्रान, म्यूटान और रेकान ये तीन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है ना। अगर याद आ रहा हो तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, सी वेंजर साहब थे 1935 में, उन्होंने सिस्ट्रान, म्यूटान और रेकान नाम के कॉन्सेप्ट से मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ कुछ लोगों को अब याद आ गया होगा। चलिए इसी पे एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बहुत आसान सा सवाल पूछूंगा, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसने दी थी? जीन के लिए जीन की संकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? अगर जीन से बात हो रही है तो मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ आप लोगों से। आप में नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, यहाँ ठीक ठाक है नेटवर्क, ठीक है। हाँ फ्लोर साहब ने दिया था, चलिए बढ़िया है, एचएच फ्लोर ने दिया था। चलिए अगला जो सवाल था, तीसरा जो सवाल था आप लोगों का वो था क्या, ये भी आपके सेल से ही था, इसमें एसर्शन और रीजन वाले सवाल थे। एसर्शन रीजन में हमेशा आपको याद रखना है कि अगर एसर्शन सही है रीजन सही है तो आपको ये डिसाइड करना है कि रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, अगर करता है तो पहला ऑप्शन, नहीं करता है तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, अगर इनमें से कोई एक गलत है तो नीचे वाले ऑप्शन में से आपको चूज करना होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरियोलिम्फ और न्यूक्लियोप्लाज्म, कह रहे हैं कि केंद्रक का जो द्रव्य होता है उसे कैरियोलिम्फ या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, ये बात बिल्कुल बेटा सही है। सेल के अंदर जो पानी मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, वो सेल का साइटोप्लाज्म कहलाएगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा, माइटोकांड्रिया के अंदर मैट्रिक्स कहलाएगा, ऐसे ही जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म, रीजन क्या लिखा गया है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड सब्सटेंस एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, बेटा दोनों बातें सही तो कही जा रही हैं लेकिन यहाँ पे आर जो है ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों बातें सही कही गई, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ये कहता कि क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है, न्यूक्लियस का कैरियन भी कहा जाता है, इसलिए न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मिलता है उसे कैरियोलिम्फ कहते हैं, तब ये एसर्शन आपका रीजन को एक्सप्लेन करता, मतलब रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन करता, तब आपका सही हो जाता, इसलिए बी ऑप्शन सही है, दोनों सही हैं लेकिन किसी प्रकार से वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, मैंने बता दिया साइटोप्लाज्म है तो सेल का जो जीवद्रव्य होगा उसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे, अलग अलग कोशिका के अंदर जो मैट्रिक्स होता है किसी में मैट्रिक्स बोला जाता है, किसी में साइटोप्लाज्म, किसी में कैरियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला चौथा सवाल था, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से गलत चूज करना है आपको, और ये जितने भी चीज़ें दी गई हैं वो क्रोमोजोम से रिलेटेड हैं। क्रोमोजोम तीन टाइप के यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, एक है टीलोसेंट्रिक, एक है एक्रोसेंट्रिक, एक है मेटासेंट्रिक, एक है मेटासेंट्रिक, ठीक है। तीन प्रकार से डिस्कस किए गए हैं बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की उपस्थिति कैसे होती है, कोई अगर इस तरह से है तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, अगर सेंट्रोमियर यहाँ पर उपलब्ध है तो ये कौन सी पोजीशन है, सेंट्रोमियर अगर बीच में बिल्कुल अवेलेबल है तो ये किस शेप को डिजिग्नेट करता है, डिनोट करता है, यही पूछा गया है। टीलोसेंट्रिक का मतलब होता है जब सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पे हो, ठीक है, ये टीलोसेंट्रिक कहलाता है। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, सब टर्मिनल यानी कि बीच में थोड़ा सा हो, आगे थोड़ा सा हिस्सा निकला हो सेंट्रोमियर का, क्रोमोसोम का, और ये बीच में सेंट्रोमियर अवेलेबल हो। मेटासेंट्रिक का मतलब होता है बिल्कुल बीच में हो और ये एक्स शेप बनाता है, ठीक है ना, अंग्रेजी के जो लेटर होता है कैपिटल एक्स, ये उसके आकार का दिखता है, कभी भी भी आकार का नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम अपीयर्स भी शेप लिखा हुआ है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन बेटा आपका गलत था, ठीक है ना, ये एक्स शेप में दिखता है तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगर क्रोमोसोम से संबंधित क्वेश्चन आया है तो आप लोग बताएंगे कि एक थ्योरी आई थी
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो किसके द्वारा दिया गया था? वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? नहीं, सटन एंड बावेरी। अब आपका राइट आंसर आया है, सटन और बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए, तो ये वाला गलत वी शेप में है, इसी वजह से ये गलत था, ये एक्स शेप में होता है। अगला सवाल है, एंजाइम से रिलेटेड है। एंजाइम से सवाल ये था कि एंजाइम्स आर सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन। आपको एक डेफिनेशन बताई गई होगी, रवि सर ने बहुत बढ़िया से बताया होगा, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। ठीक है ना, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये बोला जाता है अंग्रेजी में, इसकी डेफिनेशन होती है, इसके बारे में एक कहावत बोली जाती है। तो यहाँ पे एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के जैसे ही होते हैं, प्रोटीन से ही बने होते हैं और कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये होते क्या है बेटा, सभी एंजाइम्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही रहेंगे। ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, आपका ए आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, अब अगर एंजाइम की बात आ गई है तो मैं आप लोगों से कुछ एंजाइम्स के नाम और उनके काम पूछ लेता हूँ। चलिए, कौन बताएगा? मैं ही बता देता हूँ, आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे तो बहुत समय लेंगे। आप लोग बस इतना बताइएगा, पपेन एंजाइम कहाँ पे मिलता है? पपेन नाम का जो एंजाइम होता है ये किस फल में पाया जाता है? मैंने हिंट दे दिया, अब फल का नाम आप बता दीजिए। मैं देख रहा हूँ आप सबका कमेंट, पपाया। चलिए बताइए, डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है? डीएनए लाइगेज, देखते हैं कौन बताता है। डीएनए लाइगेज जो एंजाइम होता है इसका क्या काम होता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सवाल, अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़े हैं तो, बायोटेक्नोलॉजी अगर आप पढ़े हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेगमेंट्स को जोड़ना, बहुत बढ़िया। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं या डीएनए स्ट्रैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 3 प्राइमर वाला और 5 प्राइमर वाला, 3 प्राइमर 5 प्राइमर, ये 5 प्राइमर 3 प्राइमर, ये जो वाला जो स्ट्रैंड होता है इसको जोड़ना, तो डीएनए स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम करता है जोड़ना। ठीक है ना, बस इतना लिख दे रहे हैं, डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने का काम ये करता है। चलिए बताइए, डीएनए हेलिकेज क्या काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम के नाम मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। डीएनए हेलिकेज क्या काम करता है? हेलिकेज, अरे विवेक कुमार पंडित, हाय बेटा हाय, कोई हाय बोल दो विवेक को, बहुत बेचैन है बेचारा, जल्दी बोलो इसको। ठीक है, जो डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो डीएनए का होता है उसी को ओपन करता है, ओपन करने का काम करता है, मतलब खोलने का काम करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, डीएनए हेलिकेज जो होता है वो जो डीएनए का ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, उसको ऐसे ओपन कर देता है, और डीएनए लाइगेज क्या करता है, फिर से उसको जोड़ने का काम कर देता है। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड्स को, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, रेनिन के बारे में बताइए, रेनिन कहाँ पाया जाता है? एक एंजाइम होता है रेनिन, रेनिन का क्या काम है और कहाँ मिलता है ये? ठीक है, चलिए मैं हिंट देता हूँ, ये दूध से संबंधित है। अब बताइए, दूध के किस प्रोडक्ट को बनाने में ये हेल्प करता है रेनिन? पनीर, बहुत बढ़िया। रेनिन बेटा पनीर जो होता है, पनीर बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, एक और एंजाइम मैं आप लोगों से पूछता हूं, लाइपेज के बारे में बता दीजिए क्या काम। बहुत एंजाइम है बेटा, कितने नाम मैं आपसे पूछूंगा, लाइपेज है, सेलुलेज है,
नाइट्रोजिनेज है, एमाइलेज है, न्यूक्लियस है, इन सब के फंक्शन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर। कुछ इंपॉर्टेंट थे इस वजह से मैंने डिस्कस कर दिए, अगर मुझे मौका मिला तो फिर आऊँगा एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके साथ और मैं डिस्कस करूँगा इन सब क्वेश्चन को, मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट प्रोडक्ट्स इन द साइटोप्लाज्म विद इन द सेल, दे एक्ट एज, बताइए ये क्या काम करते हैं, साइटोप्लाज्म में रह करके ये क्या काम करते हैं। बहुत बढ़िया, कैटलाइज स्पेसिफिक रिएक्शन, सभी एंजाइम, अब रेनिन को तुम ऑक्सीटोसिन के रूप में यूज करो और रेनिन को खिला करके गाय का दूध दोगे तो नहीं निकलेगा, ऑक्सीटोसिन सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम करेगा और रेनिन पनीर के बनाने में हेल्प करेगा। अब पता चला कि आप पेप्सिन एंजाइम का उपयोग कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन की जगह, तो वो स्पेसिफिक काम तो हुआ नहीं, इसलिए हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक काम है। अगर प्रोटीएज है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, ठीक है ना, नाइट्रोजिनेज है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में ही वो हेल्प करेगा, अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में बनाने में हेल्प करेगा, इसलिए इन सभी का फंक्शन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन को ही ये कंप्लीट करती हैं। आपका ये वाला आंसर सही था, मुझे लगता है पिछला वाला क्वेश्चन कई लोगों का गलत हुआ रहा होगा, ठीक है। की लॉग थ्योरी एंजाइम की किसके द्वारा दी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक थे, कुछ ऐसे याद कर लेना, मछली मारने वाले आदमी थे तो फिशर कर लेना, फिशर याद हो जाएगा आपको, फिशर साहब ने लॉक की थ्योरी दी थी। इसी पे मैं आपसे एक और थ्योरी के बारे में पूछूंगा, देखते हैं कौन बताएगा। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, अच्छा थ्योरी पूछना है तो थ्योरी आप लोगों से पूछ लेते हैं। प्योर लाइन थ्योरी किसने दिया था, शुद्ध संतति का सिद्धांत किसने दिया था, ये आज मैं ऐप पर बच्चों को पढ़ाऊंगा, ये वाला सवाल मैं आज ये टॉपिक ही मैं ऐप पर पढ़ाने वाला हूं, फिशर साहब ने दिया था, चलिए सही है फिशर ने दिया था। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्योर लाइन थ्योरी आप लोग बता दीजिए किसने दी थी, जॉनसन ने दिया था, ठीक है बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अरे वाह ये तो बेटा वो क्वेश्चन है जिसमें 90% बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और 90% बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर अरे बाप रे ये कौन सा सवाल आ गया, पता चलता है वहां उस एग्जाम हॉल में 2x2 के ऑनलाइन सेंटर पे बैठ करके ना उनको अपनी नानी, बुआ, फूफा, मौसाजी, वो गुरु जो उनको डांटता था, वो टीचर, वो मम्मी, वो पापा सब याद आने लगते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे ये सवाल होते हैं जबकि बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो, ये जितने भी लिखे हुए हैं ना ये सभी क्या है बेटा, ये जेनेटिक कोड होते हैं और जेनेटिक कोड क्या काम करते हैं ये सच्चाई है, ठीक है। हम लोग भी याद किए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों को याद ही नहीं आते थे, दादा नानी सब याद आते थे जब एग्जाम हॉल में बैठते थे तो, ठीक है ना, लेकिन इतना नहीं याद आते थे जितना आप लोगों को आते होंगे, बहुत कम, कभी कभार आते थे। तो जेनेटिक कोड होते क्या हैं, इन्हें बेटा कोडान भी बोला जाता है, ठीक है ना, इन्हें कोडान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये वे कोड होते हैं जिसमें न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशंस होती हैं, यानी कि एडनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, इन सब की जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसमें निहित होती है, इसीलिए इनको जेनेटिक कोड कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, इसी वजह से इनको कोडान के नाम से जानते हैं। तो ये जेनेटिक कोड होते हैं, कभी भी क्रोमोसोम फ्रेगमेंट्स या प्लाज्मिड या ये सब मत लगा देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी पे एक और सवाल पूछता हूं मैं, कौन बताएगा जेनेटिक वेक्टर क्या होता है, बहुत आसान सा है, कठिन नहीं है, जेनेटिक वेक्टर क्या होते हैं ये कौन बताएगा, या वेक्टर का ही नाम बता दीजिए, वेक्टर के कुछ एग्जांपल आप बता दीजिए, वही बहुत है, वेक्टर के एग्जांपल एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। वेक्टर आप वाहक के रूप में भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन वेक्टर के रूप में अगर एग्जांपल कुछ दे देंगे तो मेरा सही लगेगा। हाँ, इनहिबिटर्स कोडान के रूप में भी होते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे दिए हैं। तो
तो वेक्टर क्या होते हैं? सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं और रिप्लिकेशन करने में बहुत तेजी से होते हैं, रिप्लिकेट बहुत तेजी से करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, जैसे एक है टीआई प्लाज्मिड, है ना, उसके बाद है एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफियंसिस करके आता है, ये भी आरआई प्लाज्मिड, कुछ बच्चे ने भी मैसेज किया पीबीआर 322, ठीक है ना, पीबीआर 322, बहुत अच्छे, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे मैंने जाने वाले वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर का काम क्या होता है बेटा? वेक्टर का काम ये होता है कि डीएनए के जो अंश होते हैं उनको किसी दूसरे एनिमल में जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान उसको ट्रांसफर करने में हेल्प मिलता है, इसीलिए उनका वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चूज द फंक्शन दैट डज नॉट परफॉर्म बाय साइटोकाइनिन हार्मोन इन प्लांट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। बताइए साइटोकाइनिन हार्मोन कौन सा काम इसमें से नहीं करता है। ऑक्सिन के बारे में आपको दो चार बातें याद रखनी है, आईबीए के बारे में आपको याद रखना है, आपको इंडोल एस्टिक एसिड के बारे में, नेप्थिलीन एस्टिक एसिड के बारे में कुछ बातें याद रखनी है, जिब्रेलिक एसिड के बारे में आपको याद रखना है, आपको इथाइलिन के बारे में याद रखना है, आपको आईबीए इंडोल ब्यूटारिक एसिड तो हो ही गया, आपको एफसीसिक एसिड एबीए के बारे में कुछ याद रखना है, आपको जो है मैलिक हाइड्रेजाइड के बारे में कुछ याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है साइटोकाइनिन्स के बारे में आपको कुछ याद रखना है, वो मैं अभी आपको एक एक करके बता देता हूँ। ये कुछ हार्मोन्स हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, क्या क्या आप लोग ऑप्शन दे रहे हैं, रिड्यूस सेल डिवीजन, कभी भी ये सेल डिवीजन को रिड्यूस नहीं करते बेटा, ये सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम करते हैं, सेल को बढ़ाते हैं, टिश्यू डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए साइटोकाइनिन ही होता है जो पौधों को बेटा थोड़ा सा सेनेसेंस में डिले करता है, मतलब बुढ़ापा में देरी लाता है, ये सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना, कोशिका विभाजन करने में ये हेल्प करता है, सेल डिवीजन के साथ साथ टिश्यू डेवलपमेंट में भी यही हेल्प करेगा। इसके साथ साथ साइटोकाइनिन जो होता है ये शूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है जब टिश्यू कल्चर हम लोग अपनाते हैं तो। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, शीर्षक विभाजित प्रभाविता के लिए। आईबीए को रूटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, कटिंग वगैरह जो लगती है बेटा वो जड़ों में जड़ों का विकास करता है, जो तना कटिंग वगैरह लगती है, ग्राफ्टिंग वगैरह लगती है, तो रूटिंग हार्मोन के नाम से ही इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है। NAAIA ये बेटा प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉपिंग को रोकने का काम करता है, साथ ही साथ ग्रोथ का भी काम करता है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, पहली बात तो याद रखिएगा, बीजों की सुसुप्तावस्था को तोड़ेगा, पार्थेनोकार्पी डेवलप करने में भी यही फ्रूट काम करता है, पार्थेनोकार्पी भी डेवलप करने में यही फ्रूट काम करता है, ठीक है। इथाइलिन इसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है, फलों को पकाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ डी ग्रीनिंग हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, जैसे अंगूर है, केला है, कुछ ऐसे फल जिसमें पीला फल इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो डी ग्रीनिंग करने वाला जो हार्मोन है वो भी इथाइलिन ही है, इथरेल के रूप में यूज होता है। एबीए एफसीसिक एसिड इसको बोलते हैं, यही होता है बेटा जो पौधों में ड्राउट टॉलरेंसी लाता है, यही होता है पौधों को बुढ़ापा लाने के लिए जिम्मेदार होता है, यही होता है पौधे को पूरा इसकी लाइफ साइकिल को कम्प्लीट जल्दी कराने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बेटा अर्ली मेच्योरिटी लाएगा, ठीक है ना, सेनेसेंस लाएगा, मतलब बुढ़ापा बहुत तेजी से लाएगा, ड्राउट टॉलरेंसी पौधों में भी यही क्रिएट करता है, ड्राउट टॉलरेंसी। स्ट्रेस हार्मोन भी इसी को बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन पौधों में स्ट्रेस हार्मोन की तरह ये काम करता है। और मैलिक हाइड्रेजाइड बेटा इसे ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में यूज किया जाता है, जैसे प्याज है, आलू है, ओनियन के अलावा और सभी सब्जियां जिसमें स्प्राउटिंग बहुत जल्दी होने लगती है, तो स्प्राउटिंग को मारने के लिए इसके एक रूटेक्स स्प्राउट स्टॉप के नाम से दवा आती है मार्केट में, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नहीं बेटा फास्ट जाना है ना, तुम घर जाओ बाद में आके देख लेना, ठीक है, तुम्हारे फास्ट के चक्कर में हम और बच्चों का नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आता होगा, मेरे और बच्चों को नहीं आता होगा तो मैं क्या करूँगा, मेरा पर्पज है सबको सिखाना, एक एक हार्मोन के बारे में बता दे रहा हूँ। अब आपका हार्मोन से मोटा मोटा जो होता है वो आपका तैयार हो गया होगा, हार्मोन से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये था, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू था, इसमें पूछा गया था कि डीएनए मार्कर्स रिप्रेजेंट पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल बेस सीक्वेंस, यही बेटा है आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले में,
दूसरा है डीएनए मार्कर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना था। डीएनए मार्कर्स जो होते हैं बेटा, ये बहुत जल्दी पॉलीमॉर्फिज्म अपने अंदर रखते हैं, और एक्चुअल बेस सीक्वेंस जो होता है जहां पे उनको पॉलीमॉर्फिज्म दिखाना है वहीं पे वो काम करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये आपका स्टेटमेंट सही था। इसके आगे जो अगला वाला था, दूसरा स्टेटमेंट, डीएनए मार्कर जो होते हैं ये कभी भी इन्वायरमेंट के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं, वेक्टर भी प्लाज्मिड भी कभी भी इन्वायरमेंट के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत परमानेंट प्रॉपर्टी के तौर पे जाने जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है कि दोनों स्टेटमेंट इसके लिए सही होंगे और ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यही बात हो रही डीएनए मार्कर्स क्या होते हैं, ठीक है, कि कोई बता सके अगर डीएनए मार्कर्स क्या होते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं बता करके आगे बढ़ता हूँ कि क्या होते हैं बेटा डीएनए मार्कर्स। आप लोगों ने अभी तक रिप्लाई ठीक किया था, इसी वजह से मैं आपसे उम्मीद भी कर रहा हूं, अगर बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए मार्कर्स सिलेक्टेबल मार्कर, अच्छा, अरे यार जितने बच्चे उतनी बार पूछते हैं, रोज एक ही बात बार बार पूछते हैं आप लोग, ये नहीं कि एक बार में पूछ लेते हैं या एक बार में मैं बता देता हूँ तो आप लोग भी सुन लीजिए। आज जेनेटिक्स का पोर्शन मैं ऐप पर पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो परेशान ना होइए। डीएनए मार्कर्स कोई नहीं बता पाया, इन्हीं को बेटा जेनेटिक मार्कर भी बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, जेनेटिक मार्कर के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है और डीएनए मार्कर के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, ठीक है, दोनों यही होते हैं। क्या होते हैं ये ऐसे जेनेटिक मार्कर होते हैं जिनका यूज हम लोग किस लिए करते हैं बेटा, सिंपल सा ये जानिएगा, दे पसेस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ये डीएनए के कुछ टुकड़े होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स इसको सुन लीजिए, जैसे कौन कौन से हैं, RFLP, क्या इसका फुल फॉर्म है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद है RAPD, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म, RAPD, ठीक है, और एक है AFLP, ठीक है। इस तरह के कुछ मार्कर्स होते हैं जिनका यूज बेटा किया जाता है। तो ये आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो अलग अलग साइज में अलग अलग इंडिविजुअल के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना था, इसमें कुछ गुण लिखे गए हैं और उनके फसलों के साथ आपको मिलान करना था। तो विटामिन ए बेटा गोल्डन राइस का हिस्सा होता है, आप सबको पता है गोल्डन राइस के लिए विटामिन ए की वजह से ही गोल्डन राइस आया है इसमें, क्योंकि इसमें कैरोटीन की विशेषता अच्छी खासी है। इंसेक्ट रेजिस्टेंटी बेटा बीटी कॉटन करता है, कौन करता है, बीटी कॉटन करता है। लिपिड क्वालिटी, लिपिड मतलब होता है क्या, फैट ऑयल, तो ये मस्टर्ड और सोयाबीन में जाएगा। टॉक्सिन फ्री वैरायटी पोटैटो में बनेगी, टॉक्सिन फ्री वैरायटी जैसे सोलेनिन जो टॉक्सिकेंट बनता है उससे बचाने के लिए हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ये वाला आंसर आपका सही था। आगे देखिए, प्रेसिपिटेटेड मिल्क प्रोडक्ट पूछा गया था, जो अवक्षेपित दुग्ध का उत्पाद होता है, अवक्षेपित दुग्ध का जो उत्पाद होता है उसके बारे में पूछा गया था। तो बेटा प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण किसमें किसमें होता है, पनीर में भी होता है, छेना में भी होता है, ठीक है ना, खीर में नहीं होता। खीर बेटा कैसा होता है, इवेपोरेटेड होता है, वाष्पीकृत होता है ये, ठीक है ना। तो छेना और पनीर ऐसे ही बनते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंडेंस मिल्क प्रोडक्ट जो होता है वो कौन सा है। कंडेंस मतलब संघनन, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया, यानी कि इसको इवेपोरेट किया जाएगा कुछ लेवल तक, 50% से भी ज़्यादा नमी इसकी निकाल दी जाती है, इसी को हम इवेपोरेटेड भी कह सकते हैं, इवेपोरेटेड प्रोडक्ट भी हम लोग कह सकते हैं। तो खीर भी उबाल करके बनाई जाती, खोआ भी और रबड़ी भी, तो इसलिए सभी इसके ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक। आगे देखिए, स्किम मिल्क में कितना परसेंट फैट होता है, स्किम्ड मिल्क में कितना परसेंट फैट होता है। तो आपको साफ साफ शब्दों में मैंने बताया था कि स्किम मिल्क जो होता है लेस देन 0.5% अगर उसमें फैट पाया जाता है तो वही बेटा क्या कहलाता है, स्किम मिल्क कहलाता है। टोन्ड मिल्क है तो
3% फैट होगा, डबल टोन्ड है तो 1.5% फैट होगा, गाय का दूध है तो 3.5% फैट होना चाहिए, भैंस का दूध है 6% फैट होना चाहिए, ये आपसे मैंने डिस्कस किया हुआ था। अगला सवाल है चार स्टेटमेंट वाला, उनमें से आपको छांट करके सही बताना था। आइसक्रीम फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट होता है, मतलब इसको जो है जमा करके बनाया जाता है, तो ये प्रोडक्ट, ये वाला लाइन तो सही लग रहा है। आइसक्रीम में 12% मिल्क फैट और 15% शुगर होता है, ये भी बात सही है। फैट कंटेंट जो बटर की क्वालिटी की होती है 80% वाली जो होती है, 80-85 वाली सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो ये भी ठीक है। और चीज़ जो होता है, चीज़ मतलब पनीर, तो पनीर जो होता है वो किसके लिए सबसे इम्पोर्टेंटली बनाया जाता है, तो पनीर जो है वो प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन के पर्पस से ही बनाया जाता है पनीर, तो केसिन यहाँ पे लिखा हुआ, केसिन प्रोटीन का है तो भैंस के दूध से मिलता है, इसलिए इनमें से सभी आंसर बेटा सही थे और सही पूछा गया है, तो 1, 2, 3 और 4 ठीक है, डी आंसर आपका सही था। अगला सवाल था बफेलो मिल्क का जो घी होता है 99 से 99.5% मिल्क फैट वाला होता है, और घी में कभी भी 0.5% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही था, और इसमें से आपको चूज द करेक्ट बताना था, दोनों स्टेटमेंट इसके सही थे ठीक। अगला सवाल देखिए, खोवा पार्शियली डिहाइड्रेटेड होल मिल्क प्रोडक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है, खोवा कभी भी 100% डिहाइड्रेट नहीं किया जाता है, पार्शियली ही डिहाइड्रेट किया जाता है, और अगर गाय का दूध है तो उसके द्वारा अगर खोआ बनाया गया तो उसमें 25% तक फैट होता है, और अगर भैंस के दूध से बनाया गया तो 37% तक फैट होता है, ये बार बार मैंने आपको बताया भी था, इसलिए ये दोनों बेटा आप स्टेटमेंट सही था, डी वाला आंसर इसका, सॉरी ए वाला आंसर सही हो जाएगा। खीर को बेटा गुजरात में बासुंदी के भी नाम से जानते हैं, आपको बताए थे मिल्क प्रोडक्ट्स किस राज्य में किस किस नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने अलग अलग खीर कदम, अलग अलग मिठाइयों के भी नाम बताए, अलग प्रोडक्ट के भी नाम बताए हैं, तो बासुंदी खीर को ही बोलते हैं, और छेना में 14-17% फैट होता है, भैंस के दूध में जो है और गाय के दूध में ये रेंज होती है, इस वजह से इसको दोनों में लिखा गया ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बेटा इसके सही थे, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात मुझे नहीं लग रही है। इनमें से कौन सा गंदा दूध उत्पादन करने का स्रोत जो है वो नहीं है, ठीक है, आप लोग बढ़िया आंसर दिए, ए वाला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि कभी भी अगर आप हाथ वाथ धुल के दूध दुह रहे हैं कभी भी इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन फोर मिल्क मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया के द्वारा इसमें इन्फेक्शन होता है, मेस्टाइटिस में भी बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होता है, और काउ स्किन फ्लैंक वगैरह भी उसमें इन्फेक्शन करते हैं। ये एक सवाल था जो कि आपके करेक्ट ऑप्शन से आपको आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना था, सही उत्तर का चुनाव करना था। कास्टिक पोटास की जो रॉड होती है उसका यूज किया जाता है डीहॉर्निंग करने के लिए फीमेल काऊ में, बात सही है, 10 से 14 दिन जो होता है ये राइट टाइम होता है डीहॉर्निंग करने का, जो छोटी गाय या छोटी भैंस होते हैं 10 से 14 दिन जो होता है ये राइट टाइम होता है उनको डिहाइड्रेट ये डिहॉर्निंग करने का डिहॉर्निंग। बर्डिजो कैस्टेटो का यूज किया जाता है कैस्टेशन में, और ये 90 दिन से कम उम्र में ही किया जाता है, बधियाकरण के लिए अगर बर्डिजो कैस्टेटर का यूज किया जा रहा है तो लगभग 90 दिन के अंदर ही कर लेना चाहिए, लेकिन अगर सर्जिकली करना है या नसबंदी वगैरह करके उसको कैस्टेशन करना है तो 1 से 1.5 साल तक की उसकी उम्र होती है ठीक। तो ड्राई पीरियड नोन एज नॉन मिल्किंग फेज ऑफ कैटल, ये भी बात सही है, ड्राई पीरियड मतलब होता है जिस अवधि में गाय या भैंस दूध नहीं देती है, और लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है जिस अवधि में गाय या भैंस दूध दे रही होती है। बेस्ट साइलेज फॉडर जो होता है वो सोरघम और मेज से प्राप्त होता है, चलिए इसी बात पे आप ये बताइए, अगर कोई क्रॉप है जिससे साइलेज बनाया जा रहा है ठीक है, तो साइलेज कितने दिन में बनके तैयार हो जाती है, आप सब कमेंट में बताइए मुझे, साइलेज कितने दिन में तैयार हो जाती है, सभी ऑप्शन बेटा इसमें सही थे, आपको करेक्ट बताना था, तो ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट ठीक है, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, जल्दी बताएं। 45 दिन, कोई 45 दिन बता रहा है, कोई 90 दिन बता रहा है, जबकि सही आंसर यह है 45 दिन में गड्ढे को कम्प्लीटली भर के बंद कर देते हैं, और 45 दिन बाद हम उसको पशुओं को खिलाने के लिए रेडी कर देते हैं, मतलब 45 दिन के बाद हम साइलेज को पशुओं को खिला सकते हैं ठीक है ना, तो रेडी होने का टाइम कितना हो गया, 1.5 महीना हो गया,
ठीक है, यही आपको याद रखना 45 दिन। अगला सवाल था, लिविंग स्पर्म या हार्मोन जो होते हैं टेस्टिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। बात सही है, टेस्टिकल में एंड्रोजन वगैरह बनते हैं जो स्पर्मेटोजोवा बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ओवम जो फीमेल हार्मोन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना, इस्ट्रोजन से बनते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से होते हैं। दोनों बात सही थी, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही था, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं थी। अगला सवाल है, ये भी बेटा आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाले चैप्टर से पशुपालन के दिया गया है। द इंसर्शन रीजन है द एंट्री ऑफ स्पर्म इंटू ओवम फॉलोड बाई द यूनियन ऑफ देयर न्यूक्लियाई इन द फैलोपियन ट्यूब्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की परिभाषा दी गई है कि जब स्पर्म जो है वो ओवम के साथ मिलता है तो वहाँ पे ओवम बनते हैं, वही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये बात सही है, और कह रहे हैं कि जब एनिमल सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें द्वितीयक जो जनन की क्षमता वाले लक्षण दिखाई देते हैं वही पुबर्टी कहलाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौनावस्था के नाम से जानते हैं। उसी समय को हम लोग इसको हीट पीरियड की शुरुआत होती, हीट साइकिल की शुरुआत होती पशु में, ठीक है ना। तो ये जो एसर्शन रीजन है, दोनों बातें सही हैं लेकिन आपस में इनका कोई संबंध नहीं है और ना ही किसी प्रकार का रीजन एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को। इसी वजह से दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, काफ़ी बच्चों ने इस पे माथा सिकोड़ने वाली जैसी स्थिति पैदा की थी। बार बार मैंने आपको YouTube पर भी ये चीज़ बताई कि कैस्ट्रेशन जो होता है वो सही उम्र क्या होती है, 1 से 1.5 साल होती है। वो भी कब, जब हम मैकेनिकल कैस्ट्रेशन के ना करके सर्जिकल या फिर उसमें नसबंदी वाली चीज़ें जैसी बात होती है तब। अगर हम बर्डी जो कैस्ट्रेटर के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो छोटी अवस्था पे ही उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है 90 दिनों के अंदर अंदर ही, ठीक है ना। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका गलत था। अगर मैंने कभी यूट्यूब पर या कहीं और इसको सही साबित किया हो तो उसको आप अभी सुधार लेना, ठीक है ना, कहीं पर भी, ठीक है। अगर आपका आंसर कहीं गलत हुआ हो इसको फिर से सुधार लेना, और ये इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट 1 वाला आपका सही नहीं है। दूसरा है, मिल्क फीवर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में कैल्शियम की कमी से होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका सी वाला चला जाएगा। पहला वाला सी वाला नहीं, डी वाला स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, ठीक ना। राइट आंसर सी दिया था, नहीं बेटा सी नहीं होगा। अगर राइट आंसर सी दिया था तो उसको सुधार लीजिएगा आप सब, डी होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इसलिए आपका डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सी वाला कैसे होगा, सी वाला नहीं होगा, ठीक है ना। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ हो तो उसको सुधार लेना आप लोग। एररलेस बनाने की कोशिश की गई थी, हाँ रॉन्ग आंसर रहा होगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एग्रोनॉमी या क्रॉप प्रोडक्शन वाला हिस्सा आ गया। क्रॉप प्रोडक्शन में यहाँ पे फसलें लिखी हुई थी, उनमें फल का प्रकार आपको चूज करना था। तो कपास का फल का प्रकार, कपास की फैमिली मालवेसी होती है, सभी मालवेसी फैमिली के प्लांट्स के टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं, ये मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है। ये कैप्सूल होता है, चाहे वो भिंडी हो या वो कपास हो। पैडी धान का होता है, ग्रेमनी फैमिली के सभी टाइप ऑफ जो फ्रूट्स होते हैं वो कैरियोप्सिस होते हैं, तो आप इनको डी वाले पे लगा दीजिए। मटर पॉड सभी लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो पैप्लियोनेट होते हैं, पैप्लियोनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके सभी फल का प्रकार पॉड होता है, इसको याद रखिए, चाहे वो अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, चना हो, कुछ भी हो। मस्टर्ड जो कि ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, कोई भी इसका प्लांट होगा उसका अगर टाइप ऑफ फ्रूट पूछा जाएगा तो आप उसका सिलिकुआ ही बताएंगे। कुकुरबिटेसी फैमिली का है तो आप पेपो बताएंगे, ठीक है, एकदम जुबान पे रख लीजिएगा। कुकुरबिटेसी फैमिली का है तो आप पेपो बताइएगा, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। आगे देखिए, रीड दी फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स, इनके स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए और इनमें से आपको सही उत्तर का ही चुनाव करना है, गलत का चुनाव नहीं करना है। कपास में अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता, वैसे तो ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो ये मधुमक्खी के द्वारा मॉर्निंग में ही होगा, ऑफन क्रॉस होता है क्योंकि इसमें क्रॉस और सेल्फ दोनों होता है,
जिनिंग एंड टपिंग कपास की फसल में ये होता है। सीड रेट ऑफ देसी कॉटन, बेटा ये बहुत लंबी रेंज दे दी गई है, इसमें देसी हाइब्रिड दोनों शामिल हैं। देसी के जो सीड रेट है 18 से 20 किलो, ठीक है ना, 18 से 20 किलो और 20 से 25 किलो, ये जो रेंज है ये दोनों इसी में समाहित कर दी गई है, तो कभी भी ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका सही हो गया। मेच्योरिटी ऑफ कॉटन मीजर्ड बाई एरियालोमीटर, ये भी बात सही है। माइक्रोनेयर जो होता है स्ट्रेंथ मापता है। पोटेशियम एलिमेंट जो होता है कपास के रेशे की मजबूती को बढ़ाता है, सभी बेटा इसमें सही थे, कोई भी गलत नहीं था। तो ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई। चलिए अगले सवाल की ओर। ये वैरायटीज से रिलेटेड सवाल था जो कि आपको पूछा गया था, लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना था। किस फसल की वैरायटी के नाम कौन कौन से हैं? गंगा सफेद टू आपको पता है मक्के की है, विक्रम भी बेटा मक्के की है, कौशल चंद्रा मूंगफली की है, केंट सोयाबीन की वैरायटी होती है, ठीक है, केंट है, क्लार्क है, तमाम वैरायटीज हैं ये सोयाबीन की। तो ए का वन, बी का टू, सी का थ्री, यानी कि सी वाला आंसर आपका सही था। अगला सवाल, ये सवाल बेटा प्रैक्टिस सेट के दौरान मैंने कुछ बच्चों को दिया था, अपने ऐप वालों को, बच्चों को। यहाँ पे मैंने ये समझाया था टेरेसिंग के बारे में। अगर मिट्टी आपकी या ज़मीन आपकी ऊंची नीची है, ढलान वाली है, तो ढलान वाले एरिया पर आप कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि अचानक से एक जैसी खेती कर सके। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ज़मीन के हिस्से को काट करके थोड़ा ढलान बना करके फिर वहाँ चकबंदी करते हैं, मतलब मेड़बंदी करते हैं, फिर थोड़ा ढलान पे फिर मेड़बंदी करते हैं ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। तो उसके लिए हम लोग कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, बेंच टेरेसिंग, मैकेनिकल मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो मैकेनिकल मेजरमेंट और ये सब बेंच टेरेसिंग, ये सब चीज़ें की गई थी, ये इसीलिए की जाती हैं ताकि उनमें हम क्या कर सकें, अपनी खेती को पॉसिबल करा सकें, ठीक है, अलग अलग ऊंचाइयों पर भी। तो इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर ये बनता है बेटा, कंटूर बंडिंग हमेशा 2 से 6% वाले ढलान पर की जाती है, हमेशा याद रखिएगा, कितने पे, 2 से 6% वाले पे, और 2% से कम वाला जो होता है ये मैकेनिकल मेजरमेंट होता है, जिसको एग्रोनॉमिक मेजरमेंट के नाम से भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और अब बचता है दो, ये वाला बेंच टेरेसिंग और ग्रेडेड बंडिंग। तो बेंच टेरेसिंग जो होती है वो बेटा ग्रेडेड बंडिंग हमेशा 2 से 10% वाले ढलान पे की जाती है, ठीक है, और जो बेंच टेरेसिंग होती है ये 16 से 33% वाले ढलान पे की जाती है। तो अगर आपको ये याद हो गया तो आप समझिए कि आपका आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ ढलान वाले एरिया पर किया जाता है, नॉर्मल भूमि पे नहीं की जाती है। अगला जो सवाल है ये मल्च से संबंधित था। मल्च जो होते हैं इनको पलवार कहा जाता है, ये शुष्क एरिया पर जल को सुरक्षित करने के लिए और मिट्टी के कटाव को रोकने के पर्पस से दिए जाते हैं। और मल्च जो होता है ये जल के अपवाह को भी रोकता है और साथ ही साथ मिट्टी से हो रहे नमी के वाष्पीकरण को भी रोकने का काम करता है मिट्टी से, और खरपतवारों को भी नियंत्रित करता है। सारे काम तो उसने बता दिए, तो इसलिए अब आपसे पूछा क्या गया है, करेक्ट आंसर चूज करना है, तो करेक्ट बता दीजिए, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। अगला सवाल बेटा इसके साइंटिफिक नेम से था, अलग अलग फसलों के साइंटिफिक नेम से था। फसलों के साइंटिफिक नेम में रागी, कोदो, चीना, मड़ुआ ये सब लिखा हुआ था, काकुन। ये मिलेट्स में आती हैं, स्मार मिलेट्स में आती हैं इनकी कैटेगरी। जैसे यहाँ पे फॉक्सटेल मिलेट है जिसको काकुन कहते हैं, सिटेरिया इटैलिका इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है ना, सिटेरिया इटैलिका इसका साइंटिफिक नेम होता है। कोदो को इलुसाइन कोरकाना कहते हैं, कोदो को क्या बोलते हैं, इलुसाइन कोरकाना कहते हैं। और चीना जिसको प्रोसो मिलेट के नाम से जाना जाता है, पेनिकम मिलियकम कहलाता है। और रागी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्पेलम स्क्रुबिनिकुलेटम, ठीक है ना। तो यहाँ से आप मैचिंग करा करके आंसर सही कर सकते थे। तो ये कुछ आपको नाम याद करने पड़ेंगे। अगला जो सवाल है बेटा 30 नंबर का, वो था आपके हर्बिसाइड से और उनसे रिलेटेड क्रॉप से था, ठीक है ना, हर्बिसाइड और उनसे रिलेटेड क्रॉप से था। ऑप्शन गलत था, अच्छा, सल्फोसल्फ्यूरान ये गेहूं की फसल में फ्लेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ब्यूटाक्लोर राइस में यूज किया जाता है, और सिमाजीन और एट्राजीन ये मक्के की फसल में बेटा यूज की जाती है, फ्लू क्लोरेलिन ये कपास की फसल में यूज किया जाता है एज ए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। तो यही आपको मैच करना था, ए का 2 और बी का 4।
ठीक है ना, पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही था। अगला जो सवाल था बेटा वो था हर्बिसाइड के डेफिनेशन से, डेफिनेशन से सवाल था। डेफिनेशन क्या पूछी गई थी, सेलेक्टिव हर्बिसाइड किसे बोलते हैं जो कि किसी टारगेटेड वीड को ही मारने का काम करते हैं, सबको नहीं मारते हैं, ठीक, किसी टारगेटेड वीड को ही मारने का काम करेंगे ये। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड सभी प्रकार के खरपतवार को मारेंगे, चाहे वो प्लांट हो या फिर वीड हो, ठीक है। सिस्टेमिक हर्बिसाइड और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, सिस्टेमिक हर्बिसाइड बेटा वे होते हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को या फिर उनमें होने वाले जितनी भी प्रक्रियाएं होती, चाहे मेटाबॉलिज्म हो कुछ हो, तो उनको ये अफेक्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, उनको अफेक्ट करने का ये काम करते हैं, तो ये सिस्टमिक वाले आपके जो है कहलाते हैं। और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड अगर प्लांट के कॉन्टैक्ट में वो टच कर गया, जैसे नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड ही सभी कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होते हैं, तो वो उनको किल करने का काम करता है। तो आपका डी वाला आंसर बेटा सही था, इसको आप लोग लगाए होंगे। अगला जो सवाल था ये पैरासिटिज्म से था, पैरासिटिज्म से था। पैरासिटिज्म मतलब क्या होता है, परजीवी खरपतवारों से था। खरपतवार में कौन कौन से परजीवी खरपतवार होते हैं, कस्कुटा है, लॉरेंथस है, ब्रूम रेप है, स्ट्राइगा है। टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, इन्हीं के एग्जाम्पल से आपको इसमें सेट करना था आंसर, ठीक है ना। जैसे कस्कुटा है टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, ठीक है, और ब्रूम रेप है ये टोटल रूट पैरासाइट होता है, स्ट्राइगा है सेमी रूट पैरासाइट होता है, लॉरेंथस है सेमी स्टेम पैरासाइट होता है मैंगो की क्रॉप पर। यहाँ पे आपको एडवांटेज क्या मिल गया इस सवाल ने कि आपको मैंने हर क्रॉप का एक कॉमन नेम होता है वो बता दिया है, इसमें वो किस किस क्रॉप पे लगता है ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है ना। डी आंसर इसका जो है आपका सही था, सी का थ्री, ये सी वाला आंसर आपका इसका सही था, ठीक। आगे चलते हैं, क्राइडा CISTH और कजरी या CSSRI, इनके नाम आपके लोकेशन के लिए पूछे गए थे। क्राइडा बेटा हैदराबाद में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। CISTH बेटा लखनऊ में है, और कजरी जोधपुर राजस्थान में है। CSSRI मतलब सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान जो संस्थान है वो करनाल में है। तो ये आपका आंसर था। क्रॉप रोटेशन, अच्छा इंस्टीट्यूट्स बेटा जरूर पढ़ लेना, एक से दो इंस्टीट्यूट्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, उनको जरूर पढ़ लेना। आगे देखिए, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चार स्टेटमेंट्स हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप रोटेशन से संबंधित थे। कह रहे क्रॉप रोटेशन में फसल बदली जाती है, जमीन वही रहती है। झूम खेती में जमीन बदल दी जाती है, फसल सेम रहती है। झूम की खेती में मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, मिट्टी की उर्वरता घटती है। फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की फर्टिलिटी पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है। और फसल चक्र अगर हम अवॉइड करते हैं तो डिजीज़ या उनका इन्फेस्टेशन का रेट बढ़ जाता है। पूछा गया इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, कोई भी बेटा इसमें गलत नहीं, सब के सब एकदम सही थे, ठीक है ना, सभी के सभी एकदम सही थे। आगे देखिए, दो स्टेटमेंट्स वाले सवाल थे। जहां पे एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, कल्टीवेशन ऑफ ड्राई, ये ड्राई लैंड फार्मिंग, सॉरी ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। 75 से 115 सेंटीमीटर जब बारिश होती बेटा इसे ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं। 115 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा बारिश होती है तो ये क्या कैसी बारिश कहलाती है, इसे हम लोग रेनफेड फार्मिंग बोलते हैं। लेस देन 75 होती है इसे हम लोग ड्राई लैंड फार्मिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। भारत की औसत वार्षिक वर्षा 119.4 सेंटीमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है स्टेटमेंट, ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस अंडर मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस, अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं तो हमें शुष्क जलवायु में झेलने वाली या सहनशील फसलों को ही लगाना होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बेटा बिल्कुल सही थे, इसमें कोई भी गलत नहीं था, ठीक है ना। तो आपका ए आंसर सही था इसका। अगला जो सवाल था ये हॉर्टिकल्चर में ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, आम का काला सिरा जो रोग होता है उसका कारण पूछा गया। तो ये तो बेटा एक तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि ईंट के भट्टे से निकलती है, ठीक है ना, ब्रिक किल्न्स ईंट के जो भट्टे से निकलती है ये इसके लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो बोरान की कमी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मैंने आपको बताया था। तो ए ऑप्शन इसका आपका सही था।
उसके बाद अलग अलग फसलों का जो व्यापारिक इनका ये होता है बेटा, मैचिंग कराना है आपको कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपागेशन से, तो जो प्रोपागेशन मेथड्स होते हैं उनसे आपको मैच कराना है। लीची में एयर लेयरिंग होता है बेटा, पपाया सीड के द्वारा जो है प्रोपागेट किया जाता है, बनाना सकर्स के द्वारा किया जाता है जिसको हम लोग स्वाड सकर या तलवार सकर बोलते हैं, और ग्रेप्स जो होता है अंगूर के द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं ये प्रोपागेट करने का काम करते हैं। स्टेम कटिंग जो होती है हार्डवुड कटिंग के द्वारा इसको हम लोग प्रोपागेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो पपाया है ये सेक्सुअली प्रोपागेटेड है क्योंकि इसको सीड के द्वारा बोया जाता है, बाकी सभी एसेक्सुअली हैं क्योंकि उनको प्लांट के डिफरेंट पार्ट से जो है लगाया जा रहा है। ठीक, तो आपका आंसर जो था वो कौन सा सही हो जाता है, डी वाला, ठीक ना, हाँ डी वाला। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेक्सुअल मेथड के द्वारा प्रोपागेटेड प्लांट कौन सा है, अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है, पपाया है, एरिका नट है, कैशू नट है, तमाम ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम लोग सीड्स के द्वारा बुआई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये है। बाकी सभी में हम लोग कॉमर्शियल मेथड कैसा इस्तेमाल करते हैं, जैसे लीची है एयर लेयरिंग, आम है विनियर ग्राफ्टिंग, गुआवा है स्टूलिंग के द्वारा, तो ये सभी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। मैंगो मिलीबग सबसे पहले किस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है, तो बच्चे जो उसका तना होता है ना आम का वहीं से नुकसान पहुंचाता है, ट्रंक मतलब उसका तना, यही जो यहाँ से शाखा ऊपर जाती है तो इसी हिस्से से वो नुकसान पहुंचाता है, धीरे 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 पूरे पत्ती तना टर्मिनल ब्रांचेज वहाँ तक पहुंच जाता है, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है, इसलिए आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे बेटा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लिखे हुए हैं, यहाँ पे उनकी कमी से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उसके नाम यहाँ पे लिखे गए थे, तो ये आपको बचाना था, बताना है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसकी कमी से होता है। बिटर पीट इन एप्पल, ये बेटा कैल्शियम की कमी से होता है। आम की पत्ती में छोटापन, ये जिंक की कमी से होगा। एग्जेंथिमा, एग्जेंथिमा को बेटा सिट्रस का डाई बैग रोग भी कहा जाता है, डाई बैग रोग, तो ये कॉपर की कमी से होता है। और आंवला में जो फ्रूट नेक्रोसिस होता है वो बोरान की कमी से होता है, तो ए का टू बी का वन, ए का टू बी का वन, सी का फोर, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा नज़दीकी उत्तर मैंने दिए थे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज दिए थे, नहीं दिख रहा है, अरे दिख तो रहा है बेटा। ओके, अब अगला जो सवाल है ये मैंने शुरुआत में ही शायद दूसरा या तीसरा कोई सवाल था जेनेटिक्स वाले पोर्शन में, यूनिट वन वाले में मैंने साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इंडोलब्यूटेरिक एसिड और एफसीसिक एसिड, इन सबके फंक्शन बताए थे। तो ये हार्मोन पे आपको पैसेज दिया गया था, हार्मोन पे पैसेज बहुत लंबा चौड़ा है, जितने भी हार्मोन होते सबके इसमें फंक्शन लिखे गए हैं, ठीक है ना, ये मैंने जब बनाया तो वही चीज़ ध्यान में रख करके बनाया था, उसमें पैसेज सारे कंप्लीट किए गए थे, पैसेज के बेसिस पे ही सवाल पूछे गए थे। क्या सवाल था, पहला सवाल ये था पैसेज का, इनमें से उस हार्मोन का नाम बताइए जो ग्रोथ इनहिबिटर नहीं है, जो वृद्धि अवरोधक नहीं है, जो वृद्धि को रोकने का काम नहीं करता, मतलब मैलिक हाइड्रेजाइड ये प्याज में स्प्राउटिंग को रोकने का काम करता है, एफसीसिक एसिड ये तो पौधे को ही वृद्धि से रोकने का काम करता है, इथाइलिन ये भी वृद्धि रोधक है क्योंकि फलों को तुरंत पका देता है, बचा इंडोलस्टिक एसिड यही नहीं है क्योंकि ये ऑक्सिन का हिस्सा है, तो ऑक्सिन क्या करता है प्लांट ग्रोथ को बढ़ाता है, तो ये वाला आपका डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस होता है और उसे फलों को पकाने वाला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आपका इथाइलिन है। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA ये रूटिंग हार्मोन के नाम से इसको पुकारा जाएगा, जड़ों की वृद्धि करने वाला। एफसीसिक एसिड एब्सिशन हार्मोन बोलते हैं जो कि सेनेसेंस को लाने में मदद करता है, नेप्थिलीन एस्टिक एसिड है। आगे देखिए, रूटिंग हार्मोन किसे कहा जाता है, तो IBA को ही बोलते हैं, इंडोल थ्री ब्यूटेरिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। अगला सवाल था, इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है जो कि इसमें से गलत है। साइटोकाइनिन प्लांट के सेल में ग्रोथ को प्रमोट करता है और सेल डिवीजन बढ़ाता है, बात सही है। एफसीसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है, डॉर्मेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, पौधों में स्टोमेटा को ओपनिंग क्लोजिंग में भी हेल्प करता है, ये भी बात सही है। मेजर फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड यानी जिब्रेलिन्स का काम जो होता है वो तने को बढ़ाने का काम होता है, पार्थेनोकार्पी डेवलप करने का काम होता है, पौधों को जवान बनाए रखता है, फलों को और
पत्तियों को उनके फलों के साइज को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जिब्रेलिक एसिड के मेजर मेजर काम इसमें दिए गए थे, तो ये भी सही था। लिखा है ऑक्सिन जिब्रेलिन एंड एथाइलिन, कह रहे फाइटो हार्मोन नहीं है। फाइटो मतलब प्लांट्स, हार्मोन मतलब हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो कि प्लांट्स के लिए इसेंशियल होते हैं, प्लांट्स में बनते हैं, प्लांट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, तो वही फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। कह रहे नहीं है, इसी वजह से ये गलत है, जबकि ये होता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल था हार्मोन पे, ऐसा हार्मोन इनहिबिट प्लांट ग्रोथ मेटाबॉलिज्म रेगुलेट एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी। कह रहे हैं एब्सिशन मतलब होता है पौधे से पत्तियों को अलग करना, डॉर्मेंसी मतलब होता है बीजों में सुसुप्तावस्था लाना, प्लांट की ग्रोथ को रोकना, मेटाबॉलिज्म को रोकना, ये एक ही हार्मोन करता है, वो है एब्सिसिक एसिड, ए बी ए, एब्सिसिक एसिड, आबा लिखा है यहाँ पे, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। आप लोगों का ये तो सवाल हो गया, ठीक। अब अगले टॉपिक की ओर चलिए। ये जो पैसेज मैंने दिया था, दूसरा वाला जो पैसेज था, दो पैसेज मैंने दिए थे, एक आपका हो गया पहले वाले यूनिट वन से, वो यूनिट वन क्या यूनिट टू में भी आता है, यूनिट थ्री से भी बिलोंग करता है पैसेज जो हार्मोन्स पे था। ये वाला जो पैसेज था बेटा, ये प्योर हॉर्टिकल्चर का पैसेज है, जिसमें आपके हॉर्टिकल्चर से जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में मैंने बनाया था, जैम, जेली, FPO, मार्मालेड, पिकल्स, अचार वगैरह, इन सब के बारे में डिटेल में मैंने लिखा। उसके बाद हिंदी भी इसका है। बाद में मैंने आपसे सवाल क्या किया कि जैम में कितना परसेंट TSS, कितना परसेंट फ्रूट पल्प पाया जाता है, ठीक है। ये लास्टली मेरा सवाल आया था। जैम से रिलेटेड जो सवाल था बेटा, वो यही था कि कितना परसेंट फ्रूट पल्प होता है और कितना परसेंट इसमें TSS होता है, ठीक। तो फ्रूट TSS मतलब होता है बेटा मीठापन, शुगर, स्वीटनेस, यही सब होता है, 68% होता है, 68.5 लिखा है, तो आप 68.5 लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। और 45% फ्रूट पल्प यानी कि फल का गूदा होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही था। अगला है जेली में कितना परसेंट क्या क्या होता है, तो जेली में बेटा 65% जो है क्या होता है, 65% उसमें TSS होता है, जिसको हम लोग टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स कहते हैं, और 45% फ्रूट जूस तो रहेगा ही, फ्रूट वाला हिस्सा, 0.5 से 0.75% एसिटिक एसिड भी होता है, जो कि उसको खट्टापन लाने के लिए यूज किया जाता है। ज़्यादातर ये पेक्टिन वाले फ्रूट से बनाया जाता है, जैसे गुआवा वगैरह होते हैं, खट्टे फल। फ्रूट्स विच आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ जैम, जैम किससे किससे बनेगा बेटा, जैम जो होते हैं ज़्यादातर कलर्ड होते हैं, कलर्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स की तरह से इसको जाना जाता है। तो आम से भी बनता है, सपोटा से भी बनता है, एप्पल से भी बनता है, कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके इसी पैसेज में मैंने लिखे हुए थे किन से बनता है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद था जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल, तो वो है बेटा गुआवा। जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल होता है जो है वो है गुआवा, ठीक है ना। अमरूद, क्योंकि इसमें पेक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है, पेक्टिन जो होता है वो जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है। और इससे अगला जो सवाल था आज का, आपके मॉडल पेपर जो आपने मॉक टेस्ट दिया उसका पहला जो आखिरी जो सवाल था वो था जेली क्या है, सेमी सॉलिड प्रोडक्ट है, ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, या इनमें से क्या है, ठीक है। तो ये बेटा सेमी सॉलिड होता है, मतलब अर्ध पारगम में भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं होता, वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप में भी होता है, और ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी तरीके से उसको देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये इसकी बेटा जेली की विशेषता होती है, जबकि जैम ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जैम कलर्ड होता है, इसलिए आर पार उसको नहीं देखा जाता है, ठीक है, वो लिक्विड में होता है, ना कि सेमी सॉलिड होता है, ठीक। तो ये था बेटा आपका क्या, जो आपने पेपर सॉल्व किया, ठीक है ना। तो आपका जो भी पेपर आपने सॉल्व किया उसमें कुछ बातें मैंने नई बताई, लेकिन आप लोग हड़बड़ाहट में भी थे, अरे सर जल्दी जल्दी ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों का पेपर कब है, इधर रिसेंट में 2-3 दिन के अंदर है या नहीं, या 25 के बाद है, कब तक है आपका पेपर, 25 को है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं एक आध मैराथन आपकी ले लेता हूँ नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। चारों यूनिट्स को मिला करके 30-30 या 40-40 क्वेश्चन मिला जुला के आपको 100-150 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, अगर ऐसा है तो, 25 के बाद अगर है तो,
ठीक है, अगर जल्दी में होगा तो उतना जल्दी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे नए क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। पुराने तो आप YouTube से पूरा खंगाल डाले होंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो आपको ना आता हो, जो मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो इसके अलावा तो अब आपको क्वेश्चन नहीं बचा, ठीक है ना। जो नए मैंने बनाए हुए वही आपको सेट कराना पड़ेगा, जो इस बार मैंने ऐप पर दिया है नया बना करके। ठीक, अच्छा 25 के बाद ही है मोस्टली मैं देख रहा हूँ, किसी का मई में किसी का जून में है। चलिए, अगर किसी का भी पहले है तो अपना मैसेज वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, जो इसका कंपनी का नंबर है, टेक्निकल नंबर। अगर कुछ ऐसा होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं एक मैराथन की तैयारी करता हूँ तब आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा देता हूँ, नए क्वेश्चन के साथ आऊँगा, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन नहीं। पुराने तो आप पूरा खंगाल डालिए, पंचायत, चौपाल और प्रीवियस का एनडीए का प्रीवियस ईयर, जो मैंने आपको 1000 क्वेश्चन की सीरीज कराई, जो पहले मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता था, डेली कॉन्सेप्ट क्लासेस, वो सब कुछ पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, कुछ छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है ना, सब पढ़ डालिएगा, उसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग, तैयारी करते हैं फिर आप लोगों का, है ना। चलिए ठीक है बेटा, जाइए आप सब और रिवीजन करिए बढ़िया से। मॉक टेस्ट 2 का भी मैं सोल्यूशन कराऊंगा कल, तो आप लोग उसके लिए भी थोड़ा सा समय निकालिएगा, और जल्दी मैं कंप्लीट कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।